Hello everyone. So today we will discuss GPS number 4 and we'll start with question number 2. A woman in a car on a level road sees an airplane travelling in the same direction, that is climbing at an angle of 30 degree above the horizontal. By driving at 110 km per hour, she is able to stay directly below the airplane. Find the airplane's velocity. This woman is moving with 110 km per hour. ठीक है, जब ये स्टार्ट करती है सेम टाइम में एक एयरप्लेन टेक ऑफ करती है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, सपोज कुछ टाइम के बाद ये जो वुमेन है ये कार यहाँ पे आ जाती है, कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट में आ जाती है. तो व्हाट शी ऑब्जर्व्स दैट बाय दैट टाइम ये जो प्लेन होती है ये इसके डायरेक्टली ऊपर होती है, ये प्लेन यहाँ पे होती है. तो यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस एयरप्लेन. ओके, सपोज आफ्टर टाइम टी डिस्टेंस कवर्ड बाय वुमेन कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर इनटू टी, दैट इज 110 टी. 110 टी डिस्टेंस वुमेन कवर कर लेगी. ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 110 टी. ठीक है, सपोज एयरप्लेन की वेलोसिटी है कुछ एक्स, लेट से एयरप्लेन की वेलोसिटी एक्स है, तो बाय द सेम टाइम टी डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन कितना हो जाएगा, एक्स टी हो जाएगा. ये डिस्टेंस है एक्स टी. ठीक है, नाउ इस डायग्राम को देखकर हम बता सकते हैं कि एक्स टी कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 110 टी. टी से टी कैंसिल, एक्स विल बी इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री कितना होता है, 110 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2. सो दिस विल बी 110 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट 3. सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 127 किलोमीटर पर आवर. ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. अ बोट इज हेडेड नॉर्थ एट अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर. A strong wind is blowing whose pressure on the boat's superstructure causes it to move sideways to the west at a velocity of 2 km per hour. There is also a tidal current present that flows in a direction 30 degrees south of east at a velocity of 5 km per hour. What is the boat's velocity relative to the earth's surface? So, this boat is headed north at velocity 8 km per hour. North direction mein iski velocity hai 8 km per hour. Theek hai? Then a strong wind is blowing whose pressure on the boat superstructure. Boat ka superstructure matlab ki suppose ye boat hai. To iske jo upar wala part hota hai jo bhi. Ye aisa upar wala jo part hota hai ise superstructure kehte hai. तो विंड के फ्लो की वजह से इस सुपर स्ट्रक्चर में जो जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से दिस बोट टेंड्स टू मूव विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स वेस्ट. देयर इज आल्सो अ टाइडल करंट, टाइडल करंट भी है जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, राइट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट. दिस इज साउथ, सो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट विल बी दिस. टाइडल करंट की वजह से इसकी 5 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, विंड फ्लो की वजह से इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है और बोट की 8 किलोमीटर पर आवर है. तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है रिलेटिव टू ग्राउंड. रिलेटिव टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेलोसिटी.
सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेलोसिटी. ऊपर की तरफ 8, इस डायरेक्शन में 2, इस डायरेक्शन में 5 cos 30 डिग्री. 5 cos 30 डिग्री मतलब 5 इंटू रूट 3 बाई 2, राइट? 5 रूट 3 बाई 2, दैट इज 2.5 इंटू रूट 3. एंड इस डायरेक्शन में 5 sin 30, 5 sin 30 मीन्स 5 इंटू 1 बाई 2, दैट इज 2.5. सो दिस इज, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऊपर की डायरेक्शन में 8 माइनस 2.5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5.5 होगी, और इस डायरेक्शन में हो जाएगी 2.5 इंटू रूट 3 माइनस 2. दिस कम्स आउट टू बी 2.3 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5.5 होल स्क्वायर प्लस 2.3 होल स्क्वायर. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6 किलोमीटर पर आर, अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर पर आर आता है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. अ वुमन पुशेस अ लॉन मोवर विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन. इफ द हैंडल ऑफ द लॉन मोवर इज 40 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, देन हाउ मच डाउनवर्ड फोर्स इज बींग एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन मोवर कैसा होता है देखो. इसका साइड से स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का है. ठीक है, ये हैंडल है. तो ये जो फोर्स लग रहा है, दिस एंगल इज गिवन टू बी 40 डिग्री. दिस एंगल इज गिवन टू बी 40 डिग्री एंड द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज अप्लाइड. सो यू नीड टू फाइंड कि वर्टिकली डाउनवर्ड कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है. ये 80 है तो ये हो जाएगा 50. ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 cos 50 एंड इन दिस डायरेक्शन 80 sin 50. सो द फोर्स एग्जर्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच? 80 cos 50. इट विल बी 80 cos 50 डिग्री. It comes out to be approximately 51.4 newton. All right. Next is question number 7. A boat head northwest at 20 kilometer per hour in a river that flows east at 6 kilometer per hour. So this boat, its velocity is 20 kilometer per hour northwest. Northwest means this is north and this is west. So it is 20 kilometer per hour in this direction. In a river that flows east at 6 kilometer per hour. 6 kilometer per hour. What are the magnitude and direction of the boat's velocity relative to the earth's surface? Iska resultant nikalna hai. This will be 10 root 2 and this also will be 10 root 2. So it will be how much? 10 root 2 and in this direction it is 10 root 2 minus 6. This comes out to be 14.14 approximately, and this is 8.14. This is 14.14 and this is 8.14. जब आप इसका resultant निकालोगे तो then you will get the value
14.14 होल स्क्वायर प्लस 8.14 होल स्क्वायर. सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? 16.3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? टैन थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? टैन थीटा विल बी, सपोज ये रिजल्टेंट है, सपोज दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज थीटा. सो टैन थीटा विल बी 14.14 डिवाइडेड बाय 8.14. सो थीटा इज टैन इनवर्स 14.14 डिवाइडेड बाय 8.14. साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये वैल्यू. यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये वाला एंगल होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. एन एयरप्लेन flies for 400 km west from city A to B, then 300 km northwest to city C. First of all, it flies 400 km west from city A to B. Suppose this is city A, तो यहाँ से ये 400 km जाती है city B की तरफ. ठीक है, this is 400 km. देन 300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू सिटी सी. नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज गिवन टू बी 300 किलोमीटर. एंड फाइनली 100 किलोमीटर नॉर्थ टू सिटी डी. फाइनली दिस डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ये हो जाएगा डी. ये बी है और ये सी है. ठीक है, हाउ फार इट इज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी डी? हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है. इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट द एयरप्लेन हैड टू रिटर्न डायरेक्टली टू सिटी ए फ्रॉम सिटी डी? और डायरेक्शन निकालना है, मतलब ये वाला एंगल भी निकालना है. सपोज ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो सपोज ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी से लेके एफ, दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई. ठीक है, तो इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 100 एक्स कॉस थीटा इज 100, एक्स कॉस थीटा इज 100. सो एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ठीक है, अब देखो अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइन को, डीसी को हमने एक्सटेंड किया और एबी को भी हमने एक्सटेंड किया और ये ओ पे कहीं मिल रहे, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल को हम क्या 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. नाउ दिस इज 300 एंड दिस इज 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 300 cos 45, दैट इज 150 root 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 150 root 2 दिस लेंथ. अगर ये 150 root 2 है तो ये लेंथ भी 150 root 2 ही होगी. ठीक है, y cos theta, y sin theta will be equal to 150 root 2. y sin of y sin 90 minus theta, y sin of 90 minus theta will be equal to 150 root 2. So that is y cos theta is equal to 150 root 2. So y can be written as 150 root 2 divided by cos theta. Okay, हमें क्या निकालना है? हमें x plus y निकालना है. तो x plus y is equal to how much? 100 प्लस 150 root 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा. अब तीन वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और तीसरा वेरिएबल है थीटा. ठीक है, हमारे पास तीन वेरिएबल है और इक्वेशन दो ही है, तो एक और इक्वेशन चाहिए हमें. एक और इक्वेशन कहाँ से हम डिराइव करेंगे? देखो ये वाली, ये जो लेंथ है ये,
ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 150√2 के बराबर हो जाएगी, और ये दे ही रखी है 400 किलोमीटर. नाउ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू दिस मच, दैट इज एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 400 प्लस 150√2, 400 प्लस 150√2. ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है हमें, x प्लस वाई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 प्लस 150√2, एंड दिस इज x प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 400 प्लस 150√2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो. डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 4, यू विल गेट टैन थीटा इक्वल टू 400 प्लस 150√2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150√2. फ्रॉम दिस वैल्यू, फ्रॉम दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज टैन इनवर्स 400 प्लस 150√2 divided by 100 plus 150√2. So this value comes out to be tan theta will approximately be equal to 63 degree. I mean theta will be equal to 63 degree. ठीक है, तो ये angle आ जाता है 63 degree. तो cos 63 degree की value इस equation में डालना. कॉस 63 डिग्री की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर 4 में डालना, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 687 किलोमीटर. सारे डिस्टेंस किलोमीटर में है, राइट?